Hello students, welcome to Paramount Public School. We'll continue with our chapter 3rd for class 7th. The chapter name is Computer Virus. This is the part 2nd of the class. Okay, this is part 2nd of this chapter in which we're gonna learn about a different forms of virus attacks. Beta virus hamare system pe kis form mein attack karta hai, hame wo isme dekhne ko milega. So these are some forms by which the computer virus has been affected our computer. The first one is malware, second is sweeper, third is Trojan horse, fourth one is worms, and fifth is spyware. These all are the types of viruses, a different forms of viruses which attacks our system. Beta aapko ek baat main clear kar do that all the viruses, sweeper, Trojan horse, worms, spyware and a virus are the forms of malwares. बेटा ये सब मालवेयर के ही फॉर्म है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे सिस्टम पे मालवेयर ने अटैक किया है तो आप समझ जाइए कि मेरे सिस्टम पे वायरस ने, स्वीपर ने, या फिर ट्रोजन हॉर्स आ गया है, या वॉर्म आ गया है, या स्पाईवेयर आ गया है, यानी कि मालवेयर की ही ये आगे फर्दर टाइप्स हैं. ओके, सो मालवेयर क्या होता है? इट्स अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डेट इज़ डिज़ाइन टू कोज एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ डेटा एंड द सिस्टम और टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू ए नेटवर्क. बेटा आपके सिस्टम पे मालवेयर जो है, जब भी आपके सिस्टम पे मालवेयर एंटर करेगा, या तो वो आपके डेटा को स्टील करेगा, या आपके डेटा को डैमेज करेगा, या फिर आप जिस नेटवर्क पे अपने कंप्यूटर को ज्वाइन करके बैठे हैं, यानी कि जो इंटरनेट पे आप कंप्यूटर को ज्वाइन करके बैठे हैं, उस नेटवर्क को चोरी कर लेगा बेटा. यानी कि आपके नेटवर्क के थ्रू ये इलीगल काम करेगा, और बाद में अगर पकड़े गए तो आप पकड़े जाओगे, बिकॉज आपका नेटवर्क जो है इसने हैक कर रखा होगा. अंडरस्टैंड? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वॉर्म्स एंड रैंसमवेयर, ये सब जो है इस मालवेयर की टाइप्स है बेटा. सेकंड वन इज स्वीपर. बेटा स्वीपर बेटा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो देखने में एक एंटीवायरस की तरह लगता है. इट्स अ फेक सॉफ्टवेयर विच लुक्स लाइक एंटीवायरस. बेटा तो आपको लगेगा डैट इट्स अ एंटीवायरस, और मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ नेट से अपने सिस्टम पे, और मे बी माई वायरस हैज़ बिन गोन. बट नहीं, ऐसा नहीं है बेटा. स्वीपर इज़ इट सेल्फ अ वायरस विच लुक्स लाइक एंटीवायरस. ओके, इसके नेम्स भी ऐसे होते हैं कि एक एंटी, आपको लगेगा कि एक एंटीवायरस है. ओके, ये दो तरीके से आपके सिस्टम पे आता है, या तो आप इसको खुद डाउनलोड करें ये सोच के कि एक एंटीवायरस है, या फिर एक ट्रोजन नाम का वायरस आता है उसके साथ ही आपके सिस्टम पे आता है. ओके, सो देखिए इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने दे रखे हैं. वायरस डॉक्टर एंटीवायरस 2009, पावर एंटीवायरस 2009, विस्टा एंटीवायरस 2009 एंड एंटीवायर 64. ये सब बेटा देखिए नेम से पता चल रहा है कि ये एक एंटीवायरस है, बट इट्स नॉट अ एंटीवायरस, इट्स अ वायरस. बस उसका नेम जो है हमें एंटीवायरस की तरह बताया गया है. इट्स अ फेक सॉफ्टवेयर बेटा. ओके, स्वीपर. ट्रोजन हॉर्स बेटा देखिए, ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है बेटा जो हमारे सिस्टम पे जब एंटर करता है तो हमारी सिस्टम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी करके, यानी कि उसको कॉपी करके हैकर्स के कंप्यूटर्स पे पेस्ट कर देता है. उनको सारी सिस्टम की इंफॉर्मेशन हमारी मिल जाती है. ओके, ये एक टाइप का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो चोरी करता है बेटा. आपके सिस्टम पे आएगा, आपके सिस्टम पे ऐसे पोर्ट्स ओपन कर देगा, ऐसे बैकडोर्स ओपन कर देगा जिसके थ्रू हैकर्स आपके सिस्टम को एंटर कर जाएंगे, और वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी चोरी कर लेंगे. ये आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल आपके अंडर कर लेगा बेटा. ट्रोजन हॉर्स, फेक एवी ट्रोजन एंड गेम थीफ ट्रोजन जो है, ये सब जो है ये इट्स अ टाइप ऑफ ट्रोजन हॉर्स वायरस. वॉर्म्स बेटा, वॉर्म्स देखिए, वॉर्म्स क्या होते हैं? कीड़े. अब कीड़े क्या करते हैं बेटा, जब एक कीड़ा आपके किसी चीज़ में लग जाता है तो बार बार और कीड़े आना शुरू हो जाते हैं, और कीड़े लगना शुरू होते हैं. वैसे ही इसमें है बेटा, जब भी वॉर्म्स आपके सिस्टम पे आते हैं तो वो अपने आप को रिपीट करना शुरू करते हैं बेटा, बार बार अपने आप को बढ़ाना शुरू करते हैं. हर एप्लीकेशन में, हर सॉफ्टवेयर में, हर कोड में, हर फोल्डर में वो चले जाएंगे. तो क्या होगा बेटा, जब आपके सिस्टम पे बार बार वॉर्म्स आते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो आपके सिस्टम की जो प्रोसेसिंग स्पीड है बहुत स्लो हो जाएगी, और इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर्स बहुत स्लो हो जाते हैं, हैंग होना शुरू हो जाते हैं. तो आप कहते हो मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया, मेरा सिस्टम हैंग होना शुरू हो गया. बेटा वो वायरस हो क्या होता है? वॉर्म्स होते हैं. ठीक है, वो आपके सिस्टम को स्लो कर देते हैं. MS ब्लास्ट एंड SQL स्लैमर, ये सब एग्जांपल्स है बेटा वॉर्म्स के. ओके, नेक्स्ट इज स्पाईवेयर. बेटा स्पाईवेयर देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, स्पाई क्या होता है? जासूस. ठीक है, इट्स अ मालवेयर that hides on your device, monitors your activity and steals sensitive information like bank details, passwords.
ये क्या करता है बेटा, आपके सिस्टम पे एंटर करेगा और अपने आप को छिपा लेगा उसके अंदर, कुछ इफेक्ट नहीं करेगा आपको। सेम बेटा वॉर्म्स भी यही काम करते हैं, वॉर्म्स आपके डेटा को डिलीट नहीं करते हैं, ना ही उसको डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो सिर्फ अपने आप को रिपीट करते हैं ताकि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाए। सेम इन द केस ऑफ स्पाईवेयर, ये आपके सिस्टम पे एंटर करते ही छिप जाएगा, यानी आपके घर में कोई चोर आया वो छिप गया और जब उसको मौका मिला उसने आपके घर की सारी चीज़ें चुरा ली। वैसे ही सेम है स्पाईवेयर का भी, ये छिप जाता है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देखते रहता है कि आप क्या कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स पे, आप कौन सी वेबसाइट्स ओपन कर रहे हैं, आप अपने इंटरनेट की बैंकिंग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये चोरी करेगा, कॉपी करता रहता है, उसको देखते रहता है और बाद में उसको हैकर्स के कंप्यूटर पे सेंड कर देगा। ठीक है, आपकी हर एक एक्टिविटी को नोट करेगा स्पाईवेयर, आपने कंप्यूटर पे जो भी काम किया वो इस स्पाईवेयर को पता होगा। अंडरस्टैंड, स्पाईवेयर हमारे सिस्टम पे कैसे आता है बेटा, ये देखिए आपको क्या 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 हमारी इन्फॉर्मेशन लेता है। ये एक तो वेबसाइट्स जो आपने खोल ली है, वेबसाइट्स यू विजिट, द थिंग्स यू डाउनलोड, आपने क्या क्या डाउनलोड किया है ये भी वो रिकॉर्ड रख लेते हैं। यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड, आपने बेटा कोई भी यूज़र नेम लिखा आपका फेसबुक का, आपका आपका जीमेल का, जो भी यूज़र नेम पासवर्ड है ये उसको भी चोरी कर लेगा बेटा। ओके, सो इट्स अ वेरी डेंजरस वायरस। ओके, जेंगो, लुक टू मी एंड ज़्लोप, ये सब स्पाईवेयर्स के टाइप्स हैं। अब बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ अ वायरस स्प्रेड्स इन अवर सिस्टम, कैसे फैलता है, आता कैसे है हमारे सिस्टम पे। सबसे पहली थिंग बेटा, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, सबसे कॉमन वे है बेटा ये हमारे सिस्टम में वायरस आने का। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती है बेटा, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस आपकी पेन ड्राइव्स, आपकी सीडी ड्राइव्स, आपके मेमोरी कार्ड्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, सो आपकी यूएसबी एंड सीडी ड्राइव्स आर ऑफन यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा, ये क्या किस लिए यूज़ होती हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। आज मैंने अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे लगाया डेटा, उसको कॉपी किया और उसको मैं कहीं भी ले गया। ओके, और अगर मेरे पीसी में या फिर अपने अगर इस इन पेन ड्राइव्स में वायरस हुआ तो ये मेरे पीसी में एंटर कर जाएगा और वहाँ से मेरा पीसी इफेक्ट हो जाएगा। और अगर मेरे पीसी में पहले से ही वायरस हुआ और जैसे ही मैंने पेन ड्राइव लगाई तो पेन ड्राइव में भी ये वायरस आ जाएगा और जहाँ पे जाके मैं वो डेटा कॉपी करूँगा उस सिस्टम में भी वायरस आ जाएगा। सो ये जो फ्लैश ड्राइव्स होती हैं जिन्हें पेन ड्राइव्स बोला जाता है, यूएसबीज बोला जाता है, दे एक्ट एज ए वैक्टर फॉर इन्फेक्शन। ये क्या करते हैं बेटा, दे एक्ट एज ए वैक्टर फॉर इन्फेक्शन मीन्स अगर एक कंप्यूटर में वायरस है तो दूसरे में भी आ जाएगा, सेम आपके कोरोना वायरस की तरह। बोलते हैं ना कि एक एक को हुआ है तो दूसरे को भी हो जाएगा अगर उसके कॉन्टैक्ट में आप आए, सेम ऐसे ही करता है बेटा ये रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, कि जैसे ही इन्होंने एक कंप्यूटर पे लगा उससे वायरस एंटर आया तो जितने भी कंप्यूटर्स पे लगाओगे सब में वायरस आ जाएगा। ओके, सो इसीलिए बोला जाता है अपनी पेन ड्राइव्स को बड़े ध्यान से यूज़ करना चाहिए। देखिए सीडी ड्राइव, सीडीज एंड पेन ड्राइव्स, ये सब जो है ये वायरस को कैरी करने के काम आते हैं। अंडरस्टैंड, देन इज़ योर कंप्यूटर नेटवर्क, बेटा आपके कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू भी आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है। ओके, आप क्या करते हैं, देखिए बेटा आपकी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा सिंपल सा। आप स्कूल जाते हैं और आपकी कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में जितने भी कंप्यूटर्स हैं बेटा आपस में ज्वाइन होते हैं, वो आपस में एक नेटवर्क पे ज्वाइन होता है, यानी कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो सब आपस में ज्वाइन होते हैं। अब उनमें से अगर एक भी कंप्यूटर में वायरस आया तो बेटा उस नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े हैं उन सब में वायरस आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात, यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स उस एक कंप्यूटर के साथ ज्वाइन हुए हैं उन सब में वायरस आ जाएगा। सो कंप्यूटर नेटवर्क्स आर आल्सो वेरी डेंजरस इफ वन ऑफ द कंप्यूटर हैज गॉट द वायरस। ओके, इससे क्या होगा, या तो आपके सिस्टम शट डाउन हो जाएंगे या आपका डेटा, उसके अंदर जो डेटा पड़ा वो डैमेज हो जाएगा। देखिए बेटा ध्यान से ये पिक्चर देखिए, ये सब कंप्यूटर्स आपस में ज्वाइंट है, एक की भी कंप्यूटर में वायरस आ गया तो इन सब में अपने आप ऑटोमेटिकली चले जाएगा। अंडरस्टैंड, थर्ड वन इज थ्रू इंटरनेट, बेटा सबसे सबसे बेसिक वे या सबसे मेन रीज़न आपके कंप्यूटर में वायरस आने का है इंटरनेट। आप अपने कंप्यूटर में पेनड्राइव ना लगाइए, वायरस नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने इंटरनेट ओपन किया मे भी हो सकता है इंटरनेट के थ्रू वायरस आपके सिस्टम पे एंटर कर जाए। और वो कैसे एंटर करेगा, बिकॉज बेटा इंटरनेट जो है, देखिए ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स मैंने लिखी है, दैट देयर आर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अटैच्ड विद द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड, करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में ज्वाइन होकर इंटरनेट बनाते हैं। ठीक है, एज इंटरनेट ट्रांसमिट्स द डेटा एट मल्टीपल साइट्स साइमल्टेनियसली, क्या करता है इंटरनेट बेटा,
जितनी भी वेबसाइट्स हैं हमारे हमारे वर्ल्ड में, जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो आपस में ज्वाइंड होती है थ्रू इंटरनेट, ठीक है, और उनका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर थ्रू इंटरनेट। सो क्या होता है कि अगर वायरस ने किसी वायरस कैन ईजिली अटैक योर कंप्यूटर बाय इंटरनेट, कैसे आपके कंप्यूटर में इंटरनेट से वायरस बड़ी ईजिली आ सकता है, वो कैसे, क्योंकि अगर इंटरनेट के थ्रू हमने वायरस इंटरनेट के थ्रू हमने कुछ भी डाउनलोड किया, हो सकता है हमारे हमारे कंप्यूटर में वायरस है तो वो इंटरनेट में चला जाएगा, और इंटरनेट में वायरस है तो वो हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मालवेयर्स हमारे कंप्यूटर्स में आ जाएंगे और भी वेबसाइट्स में वायरस जाना शुरू हो जाएगा। तो इंटरनेट इज़ द वेरी बेसिक थिंग वेयर वी कैन डाउनलोड द फाइल्स और द एंटी और द वायरस हैज़ बीन एंटर्ड इन अवर सिस्टम, ओके। अब इंटरनेट के थ्रू जब आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा तो क्या आएगा, वो पॉपअप्स करना शुरू कर देगा। पॉपअप्स पता क्या होते हैं बेटा, आपके स्क्रीन पे बार बार कोई ना कोई मैसेज आता रहेगा और आप उसको क्लोज करेंगे फिर से आता रहेगा, ये होते हैं पॉपअप्स, ओके। बार बार कोई ना कोई मैसेज आना शुरू हो जाएगा। देन इज योर ईमेल। अब वायरस आपके सिस्टम में कैसे आएगा, ईमेल के थ्रू भी आएगा, ठीक है। कैसे, मैं ईमेल के थ्रू कोई भी लिंक सेंड कर दूंगा, अटैचमेंट सेंड कर दूंगा, और आप उस अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे और वायरस आपके सिस्टम पे एंटर कर जाएगा। देन इज थ्रू इन्फेक्टेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बेटा मैंने देखा कि मुझे कोई गेम खेलनी है या मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, अब मार्केट में अगर जाऊंगा तो उसको मुझे पे करना पड़ेगा, नेट पे वो फ्री सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ से डाउनलोड करूँगा तो जा साथ में उसके साथ जो अटैच हुआ पड़ेगा एंड वायरस अटैच होगा वो भी मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा, और क्या होगा, वो मेरे सिस्टम को हार्म कर देगा, इफेक्ट, ठीक है, मेरे डाटा को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ द फॉर्म्स बाय विच द वायरस एंटर्स इन अवर सिस्टम, ओके बेटा। सो अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंटीवायरस के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कि ये जो वायरस है इनको दूर कैसे किया जा सकता है, अगर मेरे सिस्टम में फॉर एग्जांपल वायरस आ गया, अब इनको दूर कैसे किया जा सकता है थ्रू एंटीवायरस, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।